नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइस, आज हम एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग गैजेट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और वो है एक पैडलॉक। सो गाइस, आप सभी ने लॉक्स तो देखी होंगे, बहुत सारे नए नए लॉक्स आए जिसमें आपको न्यूमेरिक कीपैड वगैरह मिलता है जिसकी हेल्प से आप उन्हें अनलॉक कर सकते हो। बट गाइस, आज मैं आपको फिंगरप्रिंट लॉक बताने वाला हूँ जो काफ़ी एफिशिएंट है और काफ़ी चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग, कंप्लीट ब्लैक पैकेजिंग है गाइस। तो ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली हम इसे अनबॉक्स करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, हमारे चैनल पे चल रहा है गिव अवे, सो अगर किसी को उसमें पार्टिसिपेट करना है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये है वो एक्चुअल बॉक्स और बॉक्स से आगे की तरफ और पीछे की तरफ आपको कुछ भी देखने नहीं मिलता, बस ब्लैक सा बॉक्स है। तो डायरेक्टली हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइज, ये है वो एक्चुअल पैडलॉक और पैडलॉक की आगे की तरफ आपको एक ब्लू कलर की रिम देखने मिलती है, उसके बीच में है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर जो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस किया है। लॉक के पीछे की तरफ आपको कुछ भी देखने नहीं मिलता है, बस ब्लैंक है पीछे की तरफ। लॉक के नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है एक USB पोर्ट जिसकी हेल्प से आप इसे चार्ज कर सकते हो। सो गाइज, बॉक्स के अंदर हमें ये मैनुअल देखने मिलता है जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड और iOS के बारकोड देखने मिलते हैं और ऐप का नाम है नो क्लॉक। तो डायरेक्टली हम इस ऐप को डाउनलोड करते हैं। सो गाइज, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे, यहाँ पे आपको जो है ब्लूटूथ की वगैरह परमिशंस देनी होगी, फिर आपको यहाँ पे साइन अप वगैरह करना होगा। तो वो सारी प्रोसीजर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे ये ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखने मिलता है और एड लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पे आता है। तो जैसे ही आप एड लॉक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको बारकोड स्कैनिंग देखने मिलेगा जिसमें आपको जो बारकोड मिले थे बॉक्स में उसे आपको स्कैन करना है। सो गाइज, जैसे आप इसे स्कैन करोगे, यहाँ पे आपको नेम उसका चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं नेम रखता हूँ अभी और यहाँ पे लॉक क्रिएट हो चुका है और आप देख सकते हो स्टेटस है डिसकनेक्टेड और यहाँ पे अनलॉक के ऊपर हम प्रेस करते हैं। सो गाइज, ये सर्च करेगा और उस लॉक को डिटेक्ट करके उसे अनलॉक करेगा। सो गाइज, आप देख सकते हो इसने ये लॉक जो है अनलॉक कर दिया है, काफ़ी बढ़िया तरीके से इसने अनलॉक किया है और ब्लूटूथ कनेक्शन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। सो गाइज, अभी हम इसमें ऐड करते हैं फिंगरप्रिंट। सो यहाँ पे रजिस्टर फिंगरप्रिंट पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो अभी हम ट्राई करते हैं फिंगरप्रिंट से इसे अनलॉक करने का। वो सो गाइज, ये फिंगरप्रिंट से अनलॉक होता है, काफ़ी कम समय में ये डिटेक्ट करता है आपका फिंगरप्रिंट। सो वापस हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, क्या बात है। सो गाइज, काफ़ी बढ़िया तरीके से ये फिंगरप्रिंट डिटेक्ट कर रहा है और आप ऐप की हेल्प से भी इसे अनलॉक कर सकते हो। सो आप देख सकते हो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये अनलॉक हो जाता है। सो काफ़ी बढ़िया और रिस्पॉन्सिव वे से ये अनलॉक हो जाता है। तो वापस मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये अनलॉक हो चुका है। और गाइज, इस ऐप की हेल्प से आपको जो है रिकॉर्ड भी मिलता है कितने टाइम इसे अनलॉक किया है, तो उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको जो है मैप का लोकेशन भी देखने मिलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ से ये अनलॉक हुआ है। सो गाइज, यहाँ पे ये था कंप्लीट ऐप का इंटरफेरेंस और यहाँ पे मैं आपको इसका और एक फीचर बताने वाला हूँ जो है वाटर रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये है वाटर रेजिस्टेंट लॉक और कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है गाइज। बस इसका एक ही इशू है, जब भी आप इस पर वाटर पोर करोगे, फिंगरप्रिंट को आपको वाइप करना है, उसके बाद ही जो इसका फिंगरप्रिंट डिटेक्ट होगा। सो गाइज, आप देख सकते हो ये अनलॉक हो चुका है। सो काफ़ी बढ़िया तरीके से अनलॉक होता है इवन इफ़ आप इस पर वाटर पोर करते हो, बस आपका जो फिंगरप्रिंट का रीजन है उसे आपको वहाँ पे वाइप करके क्लीन करना है। तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से एफिशिएंटली ये अनलॉक हो जाता है। सो गाइज, अभी हम देखते हैं इसे USB पोर्ट से एग्जैक्टली कैसे चार्ज किया जाए। सो गाइज, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है माइक्रो USB पोर्ट, तो यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे ये रेड कलर की LED जो है इंडिकेट कर रही है, मतलब ये चार्जिंग पे सक्सेसफुली लग चुका है। सो गाइस, जैसे आपने देखा, इसका अनबॉक्सिंग काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतरीन ये लॉक है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है
और फिंगरप्रिंट भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव है गाइज। इसकी जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब सिंगल चार्ज में 1000 टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हो और सिंगल चार्ज ऑलमोस्ट 1.5 मंथ तक चलेगा। सो गाइज काफ़ी बढ़िया और एफिशिएंट लॉक है। और गाइज जैसे ही मैं इसे टच करता हूँ काफ़ी रिस्पॉन्सिव वे से ये ओपन होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो चुका है। सो काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन ये गैजेट है और डे टू डे लाइफ में आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइज रही बात इसके प्राइसिंग की, सो मैंने इसे खरीदा है banggood.com से 2300 से लेकर 2500 के बीच में समथिंग मैंने इसे खरीदा है और इसकी प्राइस हमेशा 2000 से लेकर 2500 के बीच में वेरी होती है। सो गाइज एज यूजुअल अगर किसी को इसे बाय करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसे बाय कर सकते हो। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।